लेवल टू स्टार्ट किए बेटा हमने पॉपुलेशन पॉपुलेशन में क्या पढ़ा है हमने, यहाँ पे काफी ज्यादा इंडिविजुअल्स इकट्ठे हो जाते हैं स्पेसिफिक प्लेस पे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, पॉपुलेशन बोलते हैं बेटा। एग्जाम्पल के लिए हम लोटस प्लांट एंड पॉड की एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि पॉड में हम देखते हैं ना काफी लोटस प्लांट्स होते हैं, इसको बोला जाता है बेटा पॉपुलेशन। नेक्स्ट है बेटा पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है कि हम देखते हैं कि इकोलॉजी को किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन के साथ जब कनेक्ट किया जाता है तो हम उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, उसके बाद अपना पॉपुलेशन किस किस चीजों पे डिपेंड होती है, कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जिन पे पॉपुलेशन डिपेंड होती है। हम देखते हैं ना कि पॉपुलेशन डेंसिटी का आइडिया लगाया जाता है कि स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, स्टेट। मैम हाँ जी बेटा बोलो। पॉपुलेशन इकोलॉजी दोबारा तो रिपीट करे हो। पॉपुलेशन इकोलॉजी है बेटा जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन को वैल्यूएशन क्या होती है, जैसे आपके आसपास क्लाइमेटिक चेंजेस है उसका इफेक्ट पड़ता है ना पॉपुलेशन पे, क्लाइमेटिक चेंजेस के आने की वजह से पॉपुलेशन कम होती है या ज्यादा होती है, इन चीजों का इफेक्ट पड़ता है। जब पॉपुलेशन को इकोलॉजी के साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। जैसे बर्ड्स है, कुछ कुछ बर्ड्स है बेटा वो अलग अलग जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, जब उनके अडेप्टेशंस पढ़ी थी हमने। अडेप्टेशंस में क्या पढ़ा था, उनके अकॉर्डिंग कंडीशंस अनुकूल ना हो उनके तो वो अलग अलग जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। दैट मीन्स वो क्या होते हैं, उसकी पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन जब उसको इकोलॉजी के साथ कनेक्ट किया जाता है, हम देखते हैं कि अपने आसपास देखो कि कितने क्लाइमेटिक चेंजेस आती हैं, उसकी वजह से अपनी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, अपनी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है तो दैट मीन्स शिफ्टिंग भी होगी, अलग अलग स्टेट्स के लोग शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों के इफेक्ट की वजह से भी क्या होता है कि पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। उसके बाद समझ आ गया बेटा पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या होती है, यस मैम। पॉपुलेशन को इकोलॉजी के साथ कनेक्ट किया जब हमने तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद बेटा पॉपुलेशन पे किन किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है, पॉपुलेशन पे किन चीजों का इफेक्ट पड़ता है कि किस प्लेस पे, किस एक स्पेसिफिक प्लेस पे, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कितने वहां पे बच्चों का जन्म हुआ, ठीक है, बर्थ कितने हुए हैं, डेथ कितनी हुई है, ठीक है। इन चीजों से भी पॉपुलेशन का आइडिया लगाया जा सकता है कि वहां की कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। समझ आ गया बच्चे बेटा, समझ आ गया यहाँ तक। यस मैम। फर्स्ट पॉइंट है बेटा किसी स्पेसिफिक प्लेस पे स्पेसिफिक टाइम के लिए कितने बर्थ्स हुए हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा ये क्या है कि पॉपुलेशन पे इस चीज का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। जितने बच्चों का जन्म हुआ है उनको ऐड किया जाता है किसमें, पॉपुलेशन डेंसिटी में, जो पहले की पॉपुलेशन डेंसिटी है उसमें ऐड किया जाता है इनको, ठीक है। बट डेथ क्या होती है, जब डेथ होती है कितने लोगों की डेथ हुई है उसको पॉपुलेशन डेंसिटी जो पहले की होती है ना, जो पॉपुलेशन डेंसिटी बेटा पहले की होती है उसमें से क्या किया जाता है इनको माइनस किया जाता है। कितनी डेथ्स हुई है जो पहले की पॉपुलेशन है उसमें से क्या हो जाएंगी, डेथ माइनस हो जाएंगी। डेथ होने से पॉपुलेशन कम हो जाती है, होने से पॉपुलेशन क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी। इसके अलावा हम पॉपुलेशन डेंसिटी का इफेक्ट इस चीज पे भी पड़ रहा है कि थाउजेंड ऑफ इंडिविजुअल्स के पीछे, ठीक है, कितने फीमेल्स हैं कितने मेल्स हैं, ठीक है, इन सभी चीजों का बेटा इफेक्ट किस पे पड़ता है, पॉपुलेशन डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ये तीन पॉइंट बताओ समझ आ गए। ये तीनों यस पॉइंट बेटा समझ आ गए। आगे देखो नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एज लेवल्स। एज लेवल्स बेटा, एज लेवल्स का भी इफेक्ट पड़ते हैं पॉपुलेशन पे, ठीक है। एज लेवल्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, तीन टाइप्स होते हैं बेटा एज लेवल्स के, एक तो एक्सपेंडिंग होता है, एक स्टेबल होता है, एक डिक्लाइनिंग होता है। एक्सपेंडिंग स्टेज पे क्या होता है, जो फर्स्ट एक्सपेंडिंग स्टेज है बेटा, फर्स्ट वाली जो एक्सपेंडिंग स्टेज है इसको क्या मतलब होता है, एक्सपेंडिंग स्टेज का मतलब है बच्चे, एक्सपेंडिंग का मतलब है कि पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा होना, ठीक है।
स्टेबल पॉपुलेशन बैलेंस स्टेज पे आती है, दैट मीन्स पॉपुलेशन ना तो ज्यादा होती है ना कम होती है, पहले जितनी होती है उसमें कोई चेंज नहीं होती है। डिक्लाइनिंग स्टेज होती है कि कंटिन्यूअसली पॉपुलेशन का कम होते जाना होता है, ठीक है, कम होना पॉपुलेशन का, उसको क्या बोलते हो आप, डिक्लाइनिंग बोलते हो, ठीक है। तीनों स्टेजेस में कुछ स्टेप्स बनाए गए हैं, देखो फर्स्ट में क्या दिया गया बेटा, फर्स्ट जो ये वाले देखो नीचे वाले स्टेप्स हैं, इसमें ऐसी लाइंस बनाई गई हैं, यहाँ पे कौन सी एज के आते हैं, यहाँ पे आते हैं बेटा बिल्कुल ही कम एज के, जैसे बच्चे बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है स्लैंटिंग लाइन की स्क्रीन, उसकी जाती है मिडिल एज के पीपल्स के लिए, यहाँ पे कौन से होते हैं बेटा, मिडिल एज, ठीक है। यहाँ पे जो वर्टिकल लाइंस शो की गई हैं लेवल्स में, वर्टिकल लाइंस किन के लिए शो की गई हैं, ओल्ड एज पीपल्स के लिए, समझ आ गया बेटा तीनों का क्या मतलब है यहाँ पे, बच्चे समझ आ गया। ये किसमें आते हैं, जो बच्चे होते हैं बिल्कुल ही कम, ठीक है। ये किसमें आते हैं, जो मिडिल एज के होते हैं, ठीक है। ये क्या आते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, ठीक है, समझ आया बेटा। यस मैम। नेक्स्ट अब देखो ये लेवल्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें पॉपुलेशन, ठीक है। इन लेवल से क्या आइडिया लगाया जा सकता है, पॉपुलेशन का आइडिया। फर्स्ट आप हमने बोला कि एक्सपेंडिंग स्टेज है, पॉपुलेशन का बढ़ना, ठीक है। पॉपुलेशन यहाँ सबसे ज्यादा है, तो इस पिक को यहाँ पे बेटा इसको देख के आप बता सकते हो कि पॉपुलेशन की इस लेवल ने क्या एक्सप्लेन किया, इस स्टेज से क्या एक्सप्लेन हो सकता है, हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। बता सकते बेटा, आइडिया लगा सकते हो, हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे एक्सपेंडिंग स्टेज आएगी कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, कैसे पता चलेगा इसकी बेटा, जो ये चौड़ाई है ना इसकी स्टेप्स की, फर्स्ट स्टेप देखो लास्ट वाला, जो बेटा ये वाला फर्स्ट स्टेप है, नीचे से फर्स्ट स्टेप है जो, ठीक है। इस स्टेप पे क्या आते हैं, बच्चे आते हैं बेटा, बिल्कुल ही कम एज के आते हैं, ठीक है, समझ आ गया बेटा। उसके बाद क्या है, ये दो स्टेप्स किसके आते हैं, इस केस में दो स्टेप्स बेटा किसके आते हैं, ये मिडिल एज के पीपल्स के, ठीक है, मिडिल एज के पीपल्स है यहाँ पे, ठीक है। ये बच्चे हैं बेटा यहाँ पे मिडिल एज पीपल्स है, ठीक है। यहाँ पे कौन से हैं, यहाँ पे ओल्ड एज पीपल्स है, ठीक है। अब देखो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि फर्स्ट लेवल की विड्थ स्टेज का फर्स्ट स्टेप की विड्थ सबसे ज्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, स्टेप की विड्थ सबसे ज्यादा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि बच्चे सबसे ज्यादा है, उसके बाद कौन है, मिडिल एज के पीपल्स है, ओल्ड एज पीपल सबसे कम, ठीक है। अब इससे आपको ये तो पता ही है कि ओल्ड एज पीपल से तो पॉपुलेशन बढ़ने के चांसेस है ही नहीं, ठीक है। तो इनसे पॉपुलेशन बढ़ती है, बच्चों से अगली पीढ़ी आने से ज्यादा पॉपुलेशन किससे बढ़ती है, जो बिल्कुल ही कम एज के होते हैं, समझ आ गया बेटा। यस या नो, समझ आ गया बेटा। हाँ जी, तो यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा हैं फर्स्ट स्टेप पे, तो बच्चे सबसे ज्यादा, तो दैट मीन्स पॉपुलेशन ज्यादा होने के चांसेस है, ठीक है। ओल्ड एज पीपल सबसे कम है, इसमें देखो इस लेवल में ये लेवल्स दोनों की विड्थ सेम ही शो की गई है, ठीक है, सेम विड्थ शो की गई बेटा, ठीक है। नेक्स्ट छोटा सा लेवल इन्होंने बना दिया मिडिल एज के पीपल, ठीक है, दैट मींस यहाँ पे मिडिल एज के पीपल्स है, ठीक है। यहाँ पे बेटा इस केस में बिल्कुल ही कम एज के बच्चे, ठीक है, यहाँ पे मिडिल एज पीपल्स है, यहाँ पे ओल्ड एज के पीपल्स है, ठीक है। तो हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, इस केस में जो पॉपुलेशन है वो स्टेबल होगा, ठीक है, जितने मिडिल एज के पीपल्स उतने ही ओल्ड एज के पीपल्स उतने ही बच्चे हैं यहाँ पे, ठीक है,
सेम सेम है बेटा, ठीक है ओके। तो इस केस में पॉपुलेशन क्या होगी, स्टेबल होगी, ठीक है समझ आ गया बच्चे, ठीक है। तो इस केस में पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग लेवल। डिक्लाइनिंग लेवल में क्या है कि ओल्ड एज पीपल्स के तीन स्टेप्स बनाए हुए हैं, दो स्टेप्स बना दिए मिडिल एज के पीपल्स के, आगे जाके देखो विड्थ कम होती जाती है। दैट मींस जो कम एज के बच्चे हैं वो बिल्कुल ही कम है, ठीक है। बच्चे कम एज के जो बच्चे हैं बिल्कुल कम है, दैट मींस पॉपुलेशन क्या होगी यहाँ पे डिक्लाइनिंग स्टेज पे होगी, ठीक है कम होती जाएगी बेटा कंटिन्यूसली पॉपुलेशन। समझ आ गया बेटा तीनों लेवल्स की डेफिनेशन? यस मैम। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनता है, जहाँ तो आपको बेटा तीनों एज लेवल्स आ जाएंगे, ठीक है बना के दिखाओ कैसे प्लॉट होते हैं ये, या इसका इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको ये पिक्स बना के दे देंगे, ठीक है स्टेप्स बना के दे देंगे कि इनसे क्या शो होता है, ये बताओ कि कौन से स्टेज है यहाँ पे पॉपुलेशन, लिख दोगे आप? ये तीनों समझ आ गए बेटा अच्छे से? यस मैम। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा आगे पॉपुलेशन डेंसिटी। एक्सपेंडिंग स्टेज, स्टेबल, डिक्लाइनिंग स्टेज, तीनों लेवल्स पढ़ लिए हमने, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट बेटा, इन लेवल से क्या शो होता है, कितनी एज के कितने पीपल्स हैं, ठीक है ये चीज हमें शो होती है, ये पता चलता है कि हमें कितनी एज के कितने पीपल्स है, उसकी वजह से हम पॉपुलेशन डेंसिटी का आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी स्टेज आएगी, पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होगी या कम होगी। जिस स्टेज में हम ऐसी आइडिया लगाते हैं, यहाँ पे बच्चे ज्यादा होते हैं तो हम बोलते हैं कि आने वाले टाइम में इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा होने के चांसेस है। यहाँ पे ओल्ड एज पीपल्स ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू चाइल्ड के, तो क्या बोल सकते हैं हम, यहाँ पे बच्चे ज्यादा नहीं होते बेटा, ओल्ड एज पीपल्स ज्यादा होते हैं। उस स्टेज में क्या बोलते हैं हम कि यहाँ पे डिक्लाइनिंग स्टेज आएगी, कि आने वाले टाइम में यहाँ पे पॉपुलेशन कम होगी, ओके बेटा। नेक्स्ट है बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का आइडिया कैसे लगा सकते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पे एक स्पेसिफिक जगह पे कितने ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं, इससे आइडिया लगा सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। कैसे, देखो सपोज किसी स्टेट का आइडिया लगा, सपोज पंजाब स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है, इसका आइडिया लगाओ कैसे लगाएंगे, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए देख लेंगे इस टाइम पे कितने ज्यादा बर्थ्स हुए, कितने ज्यादा डेथ हुए हैं, कितने स्टेट को छोड़ के गए हैं, कितने उस स्टेट में आए हैं किसी अलग स्टेट से, ठीक है। तो इस चीजों का आइडिया लगा के हम बोल सकते हैं, हम आइडिया लगा सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी का। टाइम के अलावा हमें ये भी देखना होता है कि कितनी जगह हमें लेना है, सपोज किसी सिटी का आइडिया लगाना, ठीक है सिटी में आप पॉपुलेशन कैसे देखोगे, सिटी तो स्टेट से तो कम ही होती है बेटा सिटी, तो सिटी का आइडिया कैसे लगा सकते हो। सिटी में क्या होता है कि थोड़े थोड़े पार्ट्स होते हैं, कॉलोनीज होती है, ठीक है उनका उनमें देख लो कि कितनी कितनी पॉपुलेशन है, तो उसकी वजह से आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ की पॉपुलेशन कितनी आएगी, ठीक है। यहाँ एक सेकेंड में ये है कि उस जगह का आप ये देख लो, बट पॉपुलेशन डेंसिटी तो हम ऐसे देखेंगे, आने वाले टाइम के लिए आइडिया कहाँ से लिखा हो गया कि कितने वहां पे बच्चे हैं, कितने मिडिल एज के पीपल्स हैं या कितने ओल्ड एज के पीपल्स उस स्टेट पे, ठीक है समझ आ गया बेटा बच्चे, समझ आ गया पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, कैसे आप आइडिया लगा सकते हो आने वाले टाइम के लिए भी, अब के टाइम के लिए भी कैलकुलेशन कैसे हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है बच्चे पॉपुलेशन कैसे बढ़ा सकते हैं, किन किन चीजों पे डिपेंड होती है पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे सपोज फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, तो आने वाले टाइम में फूड अवेलेबल इजिली फूड अवेलेबल होता है तो मोस्टली पीपल्स वहाँ पे होंगे, ठीक है, तो वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ जी बच्चे मैम आवाज साफ नहीं आ रही, ओके समय नहीं लग रहा मैम। हाँ जी आप देखो बेटा आप समझ आती है,
हाँ जी जी करा करो मैम। चेकअप आवाज आती है बेटा? हाँ जी मैम आगे आवाज आ गई। ओके जी बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ी है हमने। पॉपुलेशन डेंसिटी का आइडिया कैसे लगा सकते हो? एक स्पेसिफिक टाइम पे स्पेसिफिक जगह के लिए हम वहां पे देख लेंगे कि कितने ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। अब के टाइम के लिए हम थोड़े थोड़े पार्ट की पॉपुलेशन देखते हैं, स्टेट की पॉपुलेशन का आइडिया लगा लेंगे, ठीक है। आने वाले टाइम के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी देखनी है उसका आइडिया ही लगा सकते हैं, बट कम्प्लीटली हम निकाल नहीं सकते। कैसे आइडिया लगा सकते हैं? वहां पे देख लेंगे कि जिस जगह की हमने पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली है वहां पे कितने ज्यादा बच्चे हैं, कितने ज्यादा मिडिल एज पीपल्स हैं, कितने ज्यादा वहां पे ओल्ड एज पीपल्स हैं। ये चीजें तीनों निकाल के, ये चीजों का आइडिया लगा के हम कहाँ पे जाएंगे, जो हमने एज लेवल्स हमने अभी बनाई थी, ठीक है, उनसे हम आइडिया लगा सकते हैं बेटा कि कौन सी स्टेज आने वाली है, ठीक है। एक्सपेंडिंग स्टेज आएगी पॉपुलेशन की या डिक्लाइनिंग आएगी या पॉपुलेशन स्टेबल होने के चांसेस है। समझ आ गया बेटा? समझ आया बच्चे? नेक्स्ट है बेटा, पॉपुलेशन किन चीजों पे डिपेंड होती है? यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज ज्यादा होती है या फूड इजीली अवेलेबल हो जाता है वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होती है, या क्लाइमेटिक कंडीशन देख सकते हैं हम, ठीक है, तो वहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा होती है। जहाँ पे बच्चे ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उनके आने वाले टाइम पे पॉपुलेशन, आगे वाले टाइम के लिए पॉपुलेशन हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे भी ज्यादा होगी या ओल्ड एज पीपल्स कम होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों का इफेक्ट पड़ता है पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डेंसिटी के चेंज होने के चांसेस। हमने पॉपुलेशन डेंसिटी को निकाल ली, पॉपुलेशन डेंसिटी का आइडिया लगा लिया बेटा। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने के बाद अगले साल पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस होंगे, कम भी हो सकती है पॉपुलेशन या कम नहीं भी हो सकती, ठीक है, या स्टेबल भी हो सकती है। दो तीन लेवल्स पड़े हैं हमने, ठीक है। और देखो डेंसिटी में चेंज आए, डेंसिटी में चेंज आएगी तो क्यों आएगी वो चेंज, किन किन चीजों की वजह से चेंजेस आते हैं, ठीक है, किन किन चीजों की वजह से चेंजेस आते हैं बेटा, ये पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, डेंसिटी पे चेंज आती है सबसे पहले तो ये देखो मोर्टैलिटी, मोर्टैलिटी में क्या होता है? मोर्टैलिटी में हम देखते हैं कि कितने ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ है उस जगह पे, ठीक है, बर्थ कितने हुए हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं हम क्या है कि कितने डेथ हुए, ठीक है। समझ आ गया बेटा? नेटैलिटी जब हमें पता है कि हमने पॉपुलेशन डेंसिटी निकाली, ठीक है, आने वाली पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए हम कैसे आइडिया लगाएंगे? जितने ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ है वो किसमें ऐड हो जाएंगे? जो पॉपुलेशन डेंसिटी पहले के टाइम के लिए हमने निकाली है, ठीक है, तो दैट मीन्स पॉपुलेशन नेटैलिटी की वजह से क्या होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी बेटा, ठीक है। अब देखो कितनी डेथ हुई है, कितनी डेथ हुई है वो क्या होंगे, इस पॉपुलेशन डेंसिटी से माइनस हो जाएंगे। समझ आ गया बेटा? जिनकी डेथ हो जाएगी वो तो पॉपुलेशन डेंसिटी से निकाल ही दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, इसका क्या मतलब है कि कितने ज्यादा लोग, सपोज हमने पंजाब के लिए एग्जांपल लेते हैं, पंजाब स्टेट का आइडिया लगाते कि कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, कितनी चेंज आई है इसमें। पहले की पॉपुलेशन डेंसिटी निकाल ली हमने, तो अब की पॉपुलेशन के लिए, न्यू पॉपुलेशन के लिए हम देखेंगे कि अगले साल की पॉपुलेशन कितनी आएगी। जितने ज्यादा स्टेट, हमें ये भी पता है कि अलग अलग स्टेट से लोग कमाने आते हैं ना, जैसे यूपी की एग्जांपल है, काफी लोग यहाँ पे कमाने आते हैं पंजाब में, ठीक है, तो वो अपनी स्टेट छोड़ के अपनी स्टेट में आएंगे, तो अपनी स्टेट की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि कुछ लोग यहाँ आगे ऐड हो गए, ठीक है। उसके अलावा जब अपनी, सपोज कुछ लोग अपनी स्टेट से गए भी हैं, ठीक है, अपनी स्टेट से किसी अलग स्टेट में जाकर चले गए, तो उनको अपनी पॉपुलेशन डेंसिटी में से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। समझ आ गए बच्चे? बेटा समझ आ गया, कितने ज्यादा बच्चे हुए हैं, जन्म कितने हुए हैं बच्चों के, वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। कितने लोग अपनी स्टेट में आए हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, कितने लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, ठीक है, वो माइनस हो जाएंगे, वो
वो अपनी स्टेट में नहीं आएंगे, वो जिस जगह पे गए हैं उस स्टेट में वो ऐड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपने वाली स्टेट से वो इस पॉपुलेशन डेंसिटी से वो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जगह को छोड़ के चले गए, ठीक है। उसके बाद कितनी डेथ हुई है ये भी क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। समझ आ गया बच्चे? Yes. अब ये बता सकते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी किन दो चीजों की वजह से बढ़ेगी? पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी वजह से बढ़ेगी? इन दोनों की वजह से बढ़ेगी। हाँ जी बच्चे, ठीक है। कम कैसे होगी पॉपुलेशन डेंसिटी? मोर्टैलिटी एंड इमिग्रेशन। समझ आ गया बेटा यहाँ तक? Yes, अब कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? No, ma'am. हाँ जी, तो आगे बेटा एक पॉपुलेशन डेंसिटी की इक्वेशन देंगे, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी का हम आइडिया तो पहले की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालेंगे, ठीक है। अब जैसे पॉपुलेशन 2020 था पहले, ठीक है। 2020 में कुछ पॉपुलेशन थी, अब पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस है, 2021 की पॉपुलेशन निकालनी है। कैसे निकालोगे 2021 की पॉपुलेशन? ऐसे थोड़ी स्टार्टिंग से देखने लग जाओगे कि 2021 में पॉपुलेशन कितनी है, ऐसा नहीं होता बेटा। जो 2020 की पॉपुलेशन निकाली गई है उसी में ही जो जो चेंजेस आए हैं उसी में से जाकर जो जितने जन्म हुए हैं या जितने लोग अपनी स्टेट में आते हैं उनको ऐड किया जाता है, जितनी डेथ होती है या जितने यहाँ से चले गए उस जगह को छोड़ के वो माइनस किए जाते हैं, ठीक है। तो पहले वाली डेंसिटी में ही चेंज किया जाता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन का क्या मतलब है बेटा? एन टी प्लस वन, एन टी प्लस वन से क्या शो होता है? एन टी प्लस वन क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है। बट कब की पॉपुलेशन डेंसिटी है? टी प्लस वन टाइम के लिए। टी प्लस वन टाइम दैट मीन्स न्यू टाइम के लिए पॉपुलेशन, ठीक है। जो पहले का टाइम था दैट मीन्स यहाँ पे मैंने टी की जगह कितना ले लिया, 2020, ठीक है। 2020 की पॉपुलेशन क्या होगी? एन टी। पहले की पॉपुलेशन बेटा टी टाइम पे पॉपुलेशन क्या थी? एन टी। अब मैंने नए साल की पॉपुलेशन निकालनी है तो एन टी में मैंने क्या बढ़ा दिया? एक बढ़ा दिया, ठीक है। 2020 से 2021 साल की पॉपुलेशन देखने के लिए क्या हो जाएगा? वन ऐड किया यहाँ पे। एन टी प्लस वन क्या है? न्यू पॉपुलेशन है। जो एन टी है बेटा ये पॉपुलेशन पहले की पॉपुलेशन डेंसिटी थी, ठीक है। अब इसमें बी प्लस आई, बी प्लस आई, बी का मतलब जितने ज्यादा डेथ हुए हैं, जितने ज्यादा जन्म हुए हैं वो ऐड हो जाएंगे, जितने ज्यादा लोग अपनी स्टेट में आए हैं वो भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। दोनों की एडिशन ले ली हमने, बट इस पॉपुलेशन डेंसिटी में ये तो ऐड होंगे दोनों ही चीजें, क्या? डी एंड ई, ठीक है। ऐसे लोग जिनकी डेथ हो चुकी है या वो जो अपनी स्टेट को छोड़ के गए हैं, उस जगह को छोड़ के गए हैं, तो उन दोनों की एडिशन क्या हो जाएगी? टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी जो पहले की थी उनमें से माइनस हो जाएगी। समझ आ गया? डी प्लस ई की एडिशन माइनस हो जाएगी दोनों की, बी प्लस आई ऐड होके क्या हो जाएंगे? दोनों ही ऐड हो जाएंगे, जिनकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ेगी। समझ आ गया ये इक्वेशन कैसे बनी? Yes, ma'am. नेक्स्ट बेटा इसको बताया गया कि नीचे देखो ये पॉइंट्स लिखे गए हैं कि एन टी क्या है। एन टी यहाँ पे क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है एंड टाइम टी है, ठीक है। बच्चे ये ना गलत लिखा हो, जो ये बी प्लस आई लिखा हुआ है ना ये नीचे आएगा, जो डी प्लस ई है वो इसके लिए दिया, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे एन टी है, एन टी क्या है? पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम टी, यही तक है। उसके बाद है नेक्स्ट बच्चे बी प्लस आई, बी प्लस आई क्या है यहाँ पे? बी प्लस आई किसके लिए शो होता है? कितने जन्म हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, कितने ज्यादा लोग अपनी स्टेट में आए हैं। बी प्लस आई का कौन से जितने लोगों की डेथ हुई है, जितने लोग यहाँ से जन्म छोड़ गए, समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट एंटी प्लस वन, एंटी प्लस वन आपकी न्यू पॉपुलेशन डेंसिटी है। न्यू पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे लिखते हो आप? टी प्लस वन, पहले वाली डेंसिटी में ही चेंजेस की गई है जो टाइम टी प्लस वन पे आती है। समझ आ गया बेटा? बेटा समझ आ गया ये? मैम यस।
हाँ जी नेक्स्ट बच्चे जो हमने पढ़ी है ना उसी की डेफिनेशंस दी गई हैं। ये तो पढ़ लो गया, यहाँ से पढ़ो बेटा नेटलिटी क्या होती है। हाँ जी बच्चे पढ़ो नेटलिटी क्या होती है। बेटा पढ़ दो एक बच्चा आप में से नेटलिटी क्या होती है। Number of birth during given period in the population that are added to the initial density. Yes, समझ आ गया बेटा क्या है नेटलिटी? जो definitions बेटा हमने पढ़ी हैं वही definitions हैं, ठीक है? कितने ज्यादा births हुए उस time पे, एक specific time पे specific जगह के लिए उसको बोलते हैं हम नेटलिटी, ठीक है? Next पढ़ो आगे second. Mortality, number of deaths in the population during a given period. Yes, कितनी ज़्यादा death हुई है specific time के लिए उसको बोलते हैं mortality. हाँ जी आगे. Immigration, number of individual of the population who left the habitat. बच्ची इसको emi बोलते हैं, ठीक है? E वाले को emi बोलना है, I वाले को imi बोलना है, ओके? ओके मैम. हाँ जी बोलो. Emigration, number of individuals of the population who left the habitat and went elsewhere during the given period. अपना habitat अपनी place को छोड़ के जाते हैं जो, ठीक है? एक specific time के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? उसकी वजह से क्या होता है? Population density कम हो जाती है, ठीक है? इनके साथ ही छोड़ के जाते हैं इसको. Next है, हाँ जी आगे बोलो. Immigration, number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time under consideration. अपने state में जो लोग के साथ में state की example दिए थे, state की जगह city भी हो सकता है, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, किसी भी जगह के वो population निकालने के लिए कह सकते हैं, ठीक है? Okay, तो मैंने पंजाब की example ली थी, state है पंजाब, तो state इसलिए word use किया, ठीक है? तो स्टेट अपनी स्टेट में जितने आएंगे उसकी वजह से क्या होगा, जितने लोग आएंगे अपनी स्टेट में क्या हो जाएगी, उसकी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी, पॉपुलेशन पहले की पॉपुलेशन डेंसिटी में वो ऐड हो जाएगी. नेक्स्ट, पॉपुलेशन डेंसिटी कंटिन्यूअसली कब बढ़ती जाएगी, कब बढ़ेगी पॉपुलेशन डेंसिटी? जब बी प्लस आई होगा, ठीक है? बी प्लस आई दोनों की वैल्यू ज्यादा होगी किसमें से, किससे ज्यादा होगी बेटा? डी प्लस ई से. ये तो पता ही है हमें, क्योंकि डी प्लस ई की वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है, कम होती है. बी प्लस आई की वजह से पॉपुलेशन क्या होती है, ज्यादा होती है. समझ आ गया बेटा यहाँ तक? यस मैम. आज बच्चे हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी के मॉडल्स, ठीक है? आगे बेटा हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? टू मॉडल्स है इसके, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक. एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक मॉडल्स हैं, टू मॉडल्स हैं, वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ तक आपको समझ आ गया तो अच्छे से बेटा आज पढ़ लेना, इसके नोट्स आप लिख लेना, ओके? ओके मैम. हाँ जी बच्चे, अब कोई डाउट कुछ पूछना चाहते हो? नो मैम. ओके बेटा.